ये तस्वीरें आप विक्रम चौक से देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें किस तरह से जाम लगा हुआ है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे। इतनी भीड़, इतने लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं और कहाँ से आए हैं? क्या प्रश्न ये है कि क्या जम्मू के अंदर सचमुच सच में ही लॉकडाउन लगा हुआ है, या ये लोग यहाँ इन लोगों को किसी ने बताया कि जम्मू के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं है और जम्मू के अंदर लॉकडाउन ख़त्म हो गया और ये लोग घूम रहे हैं। वैसे हम आपको बताएं कि सिर्फ चार ही ऐसे ज़िले हैं जहां पर ये ज़्यादातर लोग कहां से आ रहे हैं, क्या पता हमें, क्या पता कहां से आ रही है। जो आपसे आप जब पूछ रहे हो तो को पता लग रहा है? कुछ नहीं, असलशन कितने असलशन है, मतलब है जम्मू के ही कि कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं नहीं, जम्मू के ही। ये आप देखें हैं जम्मू के ही, ये रुक रहो जरा, सब कुछ चल रहा है। ये देखें आप कहां से आ रहे हैं आप, कहाँ जाना है? ये डिपार्टमेंट के लोग, ये डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये देखें आप किस तरह से यहाँ पर, लगभग हम आपको बताएं तो आधे एक घंटे से यहाँ पर जाम लगा हुआ है और तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा जाम और वजह क्या है इन लोगों के घरों से निकलने की? ऐसा भी नहीं है कि शहर के किसी दूसरे कोने से लोग निकल के आए होंगे, यहीं पर ये लोग, यहीं जम्मू के लोग हैं। और आज ये लोग देखें, कुछ तो अपना कार्ड भी आगे रख रहे हैं कि हम कार्ड जो है ये हम जा रहे हैं शादी में। अब ये किसकी शादी में जा रहे हैं, क्या है कार्ड इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ निकलना और जाम, आगे बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग कर यहाँ पर पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बिना किसी कारण के घरों से ना निकलकर आए हों। लेकिन ये लोग, इतने ज़्यादा लोग, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई किसी तरह की यहाँ पर कहाँ से जा रहे हैं आप? मेडिकल हॉस्पिटल जीएमसी जा रहे हैं, तो ये अस्पताल जा रहे हैं। ये देखें आप कहीं भी कुछ भी जा रहे हैं। SRT की एक बस है जो यहाँ पर चल रही है और अचानक इतने सारे लोग एक साथ निकल के आना कहीं ना कहीं हैरान जरूर करता है कि आखिर क्या वजह है, कहाँ से ये लोग आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। और ये तस्वीरें विक्रम चौक की हैं। यहाँ पर जो मौके पर पुलिस वाले हैं वो भी परेशान हो गए हैं। वो कह रहे हैं हम चार ही लोग हैं, किस तरह से ड्यूटी निभाएंगे। और ये यहाँ पर चेक भी किया जा रहा है कि कौन है, आप कहाँ से आए हैं, जाना किधर है, काफ़ी मुश्किल हो रही है इनको। बैरिकेडिंग की गई है, पूछा भी जा रहा है, लेकिन उसी की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा जाम। फंक्शन पे जा रहे हैं, तो ये फंक्शन पे जा रहे हैं, इन्होंने कार्ड भी रखा आगे कि ये फंक्शन पे जा रहे हैं। लेकिन फंक्शन पे जा रहे हैं लोग, ना जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और एक तो आप मास्क भी नहीं पहनेंगे, उसको क्यों पूछ रहे हैं तू? सर हमें, सर अमेज़न वालों को, सर अभी सर असेंशियल डिलीवरी के, सर हमें ऑफ है सर, सब लोग सर अमेज़न वाला आ रहे हैं।
नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भैया? हम अमेजोन से हैं, तो अमेजोन से हम तो भैया हमें तो सब कुछ ऑफ है क्योंकि वो मल्टी डिलीवरीज होती है। वो कार्ड नहीं है आपके पास भैया? कार्ड हमें अभी तक अलाउड नहीं हुआ, हमारे कार्ड अभी बन रहे हैं। गाइडलाइन लिखी थी उसके ऊपर तो साफ कहा था ना कि कार्ड रखें आप, बिना कार्ड के थोड़े ना घूमेंगे भैया। वही मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो आप बात कर रहे हैं, ये अमेजोन कंपनी से हैं और इनके पास कार्ड नहीं है, ये कह रहे हैं कि इनकी जो डिलीवरीज हैं इनको पहुँचानी है और उसी के चलते ये लोग आए हैं, लेकिन कार्ड तो हमें लगता है ज़रूरी है और बिना किसी कार्ड के अगर आप निकलेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी है। छोड़ रहे हैं इनको, ये देखें उस लड़के को छोड़ दिया गया क्योंकि वो अमेजोन कंपनी से था। और इस समय देखें SDPO साउथ प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो जाम लगा हुआ है ये समाप्त हो, इसे खत्म किया जाए। इतना सारा जाम देख के हम भी हैरान हैं कि क्या सच में ही ये यहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति लग रही है, क्योंकि ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। विक्रम चौक से ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, यहाँ से कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन है। लोग यहाँ पर घूम फिर रहे हैं और खुद पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर यहाँ पर आकर प्रयास कर रहे हैं कि इस जाम को खुलवाया जाए। और एम्बुलेंस भी देखें पीछे 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 देखें आप, यहाँ पर जाम लगा हुआ है। एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर निकल रही है, आप देखें। वैसे ही जम्मू की स्थिति गंभीर है और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अहम फैसले जो हैं प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक एम्बुलेंस ये अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं कोई पालन करते हुए दिख नहीं रहे। हर किसी के पास कोई ना कोई कार्ड है, कोई ना कोई बहाना ऐसा लग रहा है, या फिर अब सारे ही लोग घरों से निकले हैं तो सभी के पास कोई ना कोई ऐसा बहाना है, ऐसा ऑप्शन है कि हाँ हम लोग जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं, हम उस डिपार्टमेंट के हैं, हम उस कंपनी से हैं। और एक साथ इतने सारे लोग फिर भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि ये जाम जो है ये खुलवाया जाए और पुलिस जो है वो यहाँ पर अपने कार्य को कर रही है। लेकिन अगर आप सोचें बीच में एम्बुलेंस जैसे अभी फंस गई थी तो किस तरह से होगा, लेकिन अभी ये जाम जो है वो धीरे धीरे समाप्त हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना है, लेकिन इतना लंबा जाम, ये तस्वीरें देखकर आप स्वयं बताएं कि ऐसे क्या संक्रमण की चेन टूटेगी, क्या कोरोना रुकेगा। हर रोज 3,000-4,000 मामले आना, 30-30 लोगों की जान जाना, 40-40 लोगों की जान जाना कोरोना संक्रमण की वजह से। और ऐसे में चिंताजनक तस्वीरें कि इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती थी। आज सोमवार को जो प्रशासन ने फैसला लिया था कि अभी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर वीरवार तक, थर्सडे तक, सुबह तक लॉकडाउन रहेगा, कोरोना कर्फ्यू रहेगा, लेकिन ऐसा शायद ही यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों ने सोचा था कि इस तरह की तस्वीरें भी जो हैं वो सामने आ सकती हैं। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक शेर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।